अबे जूता पहन रहा है या कपड़े पहन रहा है? चल चल बेशर्मो, मर जानो। शर्म नहीं आती एक औरत की सरेआम इज्जत पर हाथ डालते हुए? चल चल अच्छा चाहते हैं भाई। अब यहाँ क्या हो रहा है भाई? कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं है? अरे क्या हो रहा है? तुम लोग खड़े रह के तमाशा देखो। एक औरत की इज्जत पर दोनों बदमाश हाथ डाल रहे हैं और तुम लोग बस चुपचाप हो, सबके सब नामर्द हो गए हो। अरे क्या ये लोग तो मेरे पापा को मार रहे हैं। किसको पकड़ना था और इसको पकड़ लिया इन्होंने? ये लोग तो मेरे पापा को मार डालेंगे। गए काम से। पापा 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 भीषण मारा पापा। तुझे भीषण मारा, मुझे बहुत मारा। लाख कमाने गए थे, लात खा के आ गए। पब्लिक भी मौका दे के हाथ साफ करता है बाबा। अरे हाथ साफ किया, अच्छा कहीं दांत साफ कर दिया होता तो। क्या हुआ पापा? क्या हुआ? अरे सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ। पर वहाँ तो लोग बोल रहे थे कि आप दोनों ने किसी औरत को छेड़ा था। है? औरत को? घर चलो, मैं मम्मी को बताता हूँ। अरे बच्चा कैसा है? बाप कैसा है? पापा पापा, वो रही हलाकू आंटी। हलाकू आंटी? वो तो चुप कर यार, फिर मरवाएगा क्या? अब तू कुछ बोला ना तो तेरे एक कान के नीचे दो लगा दूंगा मैं। बात करता है। आप जाओ माता जी। आप जाइए जाइए, हम आपको रोकने की गलती नहीं करेंगे। अरे अब हमारे लिए तो हर स्त्री बहन के समान है। हमको मार नहीं खाना है बाबा। नहीं खानी मार, नहीं खानी। आप पहले जाओ, फिर हम लोग जाएगा। हाँ बहन जी आप जाइए ना। मुझे आगे बढ़ना ही होगा, नहीं तो इन्हें शक हो जाएगा। पापा हलाकू आंटी जा रही है। संजय क्या कर रहा है? पीछे आ जा संजय, पीछे आ जा। ये दोनों हाथ जोड़ कर क्यों खड़े हैं? पकड़ क्यों नहीं रहे उसे? क्या कर रहे लोग? अब लगता है दिखाना पड़ेगा इन्हें बुर्की के पीछे का चेहरा। ये तो सब कुछ हलाकू है। ये क्या हो रहा है? चाकू निकल लिया। खबरदार, अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की बच्चे की गर्दन काट दूंगा। नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो बच्चे को खत्म कर दूंगा। बचाओ, अरे बचाओ, अरे पकड़ो, मेरे बच्चे को बचाओ। अरे बाप रे, अरे क्या कहूँ, इस चश्मे वाले ने मुझे देख लिया है, मुझे इसका कुछ करना होगा। अरे गला काट देगा हमारा ये। अरे गंगाधर भाग गया, मेरे बच्चे को बचाओ, बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। शक्तिमान शक्तिमान, शक्तिमान हलाकू के रास्ते से हट जाओ वरना इस बच्चे की गर्दन काट दूंगा।
अब देख क्या रहे हो, पकड़ लो उसे। पकड़ो घोष बाबू, पकड़ो। बच्चे को डराता था, अब बाप से टक्कर लेके देख। छोड़ो, दबा के पकड़। पकड़ लो पाओ उसको, छोड़ने दबा के रखो इसको, दबा के। सुधांशु जी से पकड़ कर रखो, होम पुलिस को बुला के लाता हूँ। नहीं नहीं तुम जाना मत, कहीं उठ के मुझे मार के भाग गया तो। नहीं तुम जाना मत। अरे भिंडे महाशय, अरे भिंडे महाशय, अरे भिंडे महाशय, भिंडे महाशय। गंगाधर क्या बात क्या है? चलिए उधर चलिए, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। इधर वो हलाकू को पकड़ने। हलाकू? हाँ। किधर है हलाकू? किधर है? उधर है, नजदीक है। वो हमारे दो आदमी ने उसे दबोच कर पकड़ कर रखा हुआ है। तेरी की, दोनों ने पकड़ लिया है ना, इनाम भी तो उन्हीं को मिलने वाला है ना। अब तू नहीं, पर आप उसको पुलिस स्टेशन ले जाएंगे तो आपको वो पदोन्नति, वो प्रमोशन मिलेगा ना। अरे किधर मिलता है प्रमोशन? अपन ने कट कट दंतु को पकड़ा ना, मिला क्या प्रमोशन? उल्टा साहब मेरे पे भड़क गया, बोलता है प्रमोशन के लिए कोई ताबीज लेने को जाता है क्या? अब तेरे को प्रमोशन मांगता है ना तो ताबीज के पास से मांग जा। ताबीज? पर वो हमारे आदमी पकड़ कर खड़े हुए उसे। ठीक है ठीक है, किधर है? चल। हाँ चलिए 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 चलिए, हम दिखाते आपको। चलिए चलिए चलिए, जोर से 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 चलिए। आ गए आ गए आ गए आ गए, हम पुलिस को लेकर आ गए। पकड़ लीजिए दाढ़ी वाले को, पकड़ लीजिए। ये कौन? ये दाढ़ी वाला? अरे नहीं, इसके नीचे नीचे वाला। हाँ पकड़ लो, वो पकड़ लो, उसको पकड़ लो, हम पुलिस को लेकर आए हैं। पकड़ लो बदमाश, पकड़ लो इसको। पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया इसको। बिंडे बिंडे इधर से आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हमने पकड़ कर रखा है इसको। हमने पकड़ा, लेकिन इनको तो शक्तिमान ने। तू चुप कर यार, हमेशा बड़ों के बीच में बोलता है, ये बच्चा कैसा है? बाप के जैसा। तुम लोग चलेंगे कि नहीं? हाँ चलो चलो, पहले 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 पुलिस स्टेशन चलते हैं और फिर उसके बाद कल चलेंगे ऑफिस में। चलो आज चलो, जुलूस निकालते इसका। चलो लेकर चलो इस हलाकू को, लेकर चलो, चलो चलो। हाय 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 हलाकू जी, हाय 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 हलाकू की, हाय हाय हाय। चलो चलो। हेलो। हाय हाय, ये 5,000 रुपए मैं सिर्फ इतने ही अरेंज कर पाई हूँ। कोई बात नहीं रीता जी, अभी तो हमारे लिए 1 रुपया भी बहुत महत्वपूर्ण है। आई नो इट, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। ओके गीता जी, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अलाउ करें तो आज मैं जल्दी घर चली जाऊँ प्लीज, मुझे कुछ काम है। ऑफ कोर्स, यू कैन टेक द डे ऑफ। ओके कल मिलते हैं। ओके थैंक यू, बाय 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 बाय। दीदी अभी भी 1,00,000 रुपया कम पड़ रहा है, पता नहीं इंतजाम कैसे होगा। हो जाएगा, डोंट वरी। और ये सुधांशु जी और घोष बाबू भी नहीं आए अभी तक। अरे हाँ, उनको तो अब तक आ जाना चाहिए था ना, लगता है उनसे भी पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। आज आखिरी दिन है दीदी, अगर आज पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया तो कॉमिक्स बंद, हमें ये ऑफिस खाली करना होगा। मुझे बहुत चिंता हो रही है दीदी। अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है किसी को, हम अपने साथ घोष बाबू और एक बूंद अमृत जी को लेकर आए हैं, और ये दोनों अपने साथ लेकर आए हैं 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपया? रोकड़ा 1,00,000 रुपए नहीं, 1,00,000 रुपए का चेक हेमल, पूरे 1,00,000 रुपए का रख लो, तुम भी क्या याद करोगे, ये मेरे और घोष की तरफ से हमारे नाम पे एंट्री करना। हाँ अयो गंगाधर जी, लेकिन ये सुधांशु जी और घोष बाबू एक दिन के अंदर 1,00,000 रुपया लाए कहाँ से जी? सरकारी खजाने से। सरकारी खजाने से? जी हाँ स्वामी जी,
सरकार ने इन दोनों को बहादुरी के लिए 1,00,000 रुपए का इनाम दिया है। अयो गंगाधर जी आप भी क्या बात करते जी, बहादुरी और सुधांशु जी गौच बाबू, आई कांट बिलीव इट। अरे लेकिन ऐसा किया क्या इन्होंने? अरे इन लोगों ने वो किया है जो शक्तिमान भैया भी नहीं कर सकते। अच्छा? हाँ, इन दोनों ने वो काम करके दिखाया है जो शक्तिमान भैया भी नहीं कर सकते। देखो देखो, अभी तक गर्व से इन दोनों की छाती भी फूली हुई है। देखो देखो। गंगाधर जी, लेकिन ये तो बताइए इन दोनों ने किया क्या है जी? इन दोनों ने कुख्यात आतंकवादी हलाकू को मार लिया। क्या? हाँ, वही हलाकू जिसकी तलाश पुलिस को थी। अयो, और सरकार ने उसको पकड़ने वाले को 1,00,000 रुपए की धनराशि देनी थी। जी हाँ, वही कुख्यात आतंकवादी हलाकू जिनको इन दोनों महावीरों ने पकड़ लिया है। लेकिन गंगाधर जी, इन्होंने उसे पकड़ा कैसे? अरे हाथों से। अरे कमाल करते लीला जी आप भी, कोई किसी को पकड़ता है तो हाथों से पकड़ता है ना। इन दोनों महावीरों ने भी उस हलाकू को हाथों से पकड़ लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हलाकू एक क्रिकेट बॉल की तरह आकर अपने आप इनके हाथों में गिर गया। नहीं 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 गीता जी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो तो क्या है, हलाकू जो था ना वो भाग रहा था। ये दोनों महावीर भी उसके पीछे भाग रहे थे और फिर पकड़ लिया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? वो क्या है देवी जी, सुधांशु जी का बच्चा बदकिस्मती के साथ इस कुख्यात आतंकवादी हलाकू के कब्जे में आ गया। उस वक्त हम भी इन दोनों के साथ में वहां पर मौजूद थे। और आप तो जानती ही है देवी जी कि ऐसे मौकों पर हमारी तो हालत पतली हो जाती है, हम तो डर के मारे कांपने लगते हैं। और आप कहां से भाग गए होंगे? हाँ भाग गए, और क्या करते। अरे लेकिन आपको कैसे पता चला? मुझे तो ये भी पता है कि आपके वहाँ से भागते ही शक्तिमान वहाँ आ गया होगा। अरे ये तो अंतर्यामी बन गई। हाँ देवी जी, आप लोग भी सुनो ध्यान से, सचमुच वहाँ पर शक्तिमान भैया आ गए थे और शक्तिमान भैया ने कब्जे में पड़े बच्चे को छुड़ा दिया। लेकिन शक्तिमान हलाकू को नहीं पकड़ पाए और हलाकू वहाँ से भागने लगा, और जब वो भागने लगा तो इन दोनों महावीरों ने भी भाग कर हलाकू को पकड़ लिया और इनाम इनका हो गया। अब तो पैसों की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना गीता? अब तो कॉमिक छुप के रहेगा। मैंने तो पहले ही कहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मुझे भी विश्वास था पैसे का इंतजाम हो जाएगा, कॉमिक्स छपनी थी और छप कर रहेगी। लेकिन मैं क्या करूं, अब दीदी है ही ऐसी, उन्हें आप लोगों पर विश्वास ही नहीं था, इसलिए मुझे बार बार आप लोगों को उनकी बात बताने के लिए आना पड़ा। लेकिन अब मैं उन्हें जाकर बताता हूँ कि शक्तिमान कॉमिक्स के लिए पैसों का इंतजाम हो गया। अच्छा अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। वेलकम। अच्छा तो फिर हम भी चलते हैं। हाँ हाँ गंगाधर जाओ, तुम भी जाओ। हमको मालूम तुमको हमारे साथ इधर काम करना अच्छा नहीं लगता, तुमको तो उधर वो कॉलेज में स्टूडेंट को पढ़ाना अच्छा लगता है ना जी। जाओ, गो गो। नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन जाना जरूरी है। अच्छा नमस्कार। नमस्ते त्रिपाठी जी। नमस्कार। सर आप तो इस शहर के मेयर हैं, अगर मुझसे कुछ काम था तो मुझे फोन कर देते, मैं आपके पास हाजिर हो जाता। अब कुआं तो प्यासे के पास आता नहीं है ना कुमार साहब, प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ता है। भाई ये प्यासा कुआं मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सब समझ जाएंगे। ठीक है बैठिए। थैंक्स। कहिए कुमार साहब, दरअसल मेयर साहब चाहते हैं कि आप इस बार म्युनिसिपैलिटी का चुनाव लड़ें। व्हाट? जी कुमार साहब, आप इस बार मेरी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। आप जानते ही होंगे कि शहर के भूतपूर्व मेयर मिस्टर जेजे, जो आपके रिश्तेदार थे, हमेशा हमारी पार्टी से चुनाव लड़ते थे। यानी कि कुमार साहब ये समझिए
कि इस लंबे चौड़े कारोबार के साथ साथ राजनीति भी आपको जे साहब से विरासत में मिली है। जी कुमार साहब, उनकी तरह आपको भी राजनीति में ही आना चाहिए। लेकिन मेयर साहब, हम जानते हैं कुमार साहब, आप बहुत व्यस्त रहते हैं। 50-60 कंपनियां, लंबा चौड़ा कारोबार, इन सबको संभालना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपनी व्यस्तता में से भी समाज सेवा के लिए समय निकाल ही लेते हैं। इस शहर के लोग आपको एक उद्योगपति के रूप में कम पर एक समाज सेवी के रूप में ज्यादा जानते हैं। देखिए मेयर साहब, यह ठीक है कि मुझ में समाज सेवा की भावना है, मगर राजनीति में मुझे बिल्कुल रुचि नहीं है। रुचि भी जागृत हो जाएगी मिस्टर कुमार, आप एक बार हमारे साथ शामिल तो हो जाइए। कुमार साहब, हमारे मेयर साहब सच कह रहे हैं, जरा सोचिए तो, समाज सेवा करने का सच्चा अवसर राजनीति के अलावा आपको कहाँ मिलेगा। इसीलिए हम आपके वार्ड से आपको इलेक्शन में खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कुमार साहब कि आपका जितना निश्चित है। लेकिन इलेक्शन तो अब होने वाले हैं, और मेरे ख्याल से उम्मीदवारों के नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मिस्टर कुमार। लेकिन इतनी जल्दी ये सब कैसे हो सकता है, और मैं ठीक से प्रचार भी नहीं कर पाऊंगा त्रिपाठी जी। मैंने कहा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है मिस्टर कुमार, आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं, ये सोचना ही काफी है आपकी जीत के लिए। आप चुनाव जीतेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। अब तो आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए कुमार साहब। ठीक है, अगर आप सबकी यही इच्छा है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, मगर मैं फिर भी कहूंगा कि मुझे राजनीति में बिल्कुल कोई रुचि नहीं है। और मैं फिर से कहूंगा कि रुचि जागृत हो जाएगी, मैं फॉर्म साथ में लाया हूं। सिन्हा जी, साहब के दस्तखत ले लो फॉर्म पे। ओके सर। लीजिए। लीजिए मेयर साहब। थैंक यू सर। धन्यवाद कुमार साहब, अब हम चलते हैं। धन्यवाद। आज शाम के अखबार में आपके चुनाव लड़ने की घोषणा हो जाएगी, और कल से आपका चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। ओके। नमस्ते सर। नमस्ते। जिस मौके का मुझे बरसों से इंतजार था, वो मुझे आपकी वजह से मिल गया मेयर साहब। अगर जे इस शहर का मेयर था और कुमार भी कुछ बना, तो सिर्फ मेयर ही बनेगा। मुझे सत्ता चाहिए और मैं वो लेकर ही रहूंगा। हेलो। यस, दिस इज उदय फ्रॉम विस्फोट। विस्फोट बारूद से होता है उदय। बारूद तैयार है साहब। तो फिर समझ लो कि वक्त आ गया है बारूद को चिंगारी दिखाने का। जी साहब। बारूद, चिंगारी और फिर विस्फोट। विस्फोट।